स्वागत है आप सबका ऐसे 20 के मैच नंबर 16 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे एमआई केपटाउन बनाम डर्बन सुपर जायंट्स के बीच में, जो खेला जाएगा न्यूलैंड्स केपटाउन के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 9 बजे। तो फिर से आपको एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है। एक तरफ आपको देखेंगे लिविंगस्टन, कैरन पोलार्ड, सामने होंगे यहाँ पर हेनरिक क्लासेन। बहुत ही गजब का मैच होगा ये। दोनों तरफ आपको पावर हिटर्स दिखता है और डीकॉक भी है यहाँ पर डीएसजी के पास। तो पॉइंट शुरू का रुख करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो, इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 6 टीम्स कम्पीट करती हैं। टॉप 4 टीम क्वालिफाई करती हैं और जो टीम पहले भी फिनिश करती है वो सेमीफाइनल खेलती है 4थे स्थान के साथ, और जो सेकंड और थर्ड पे फिनिश करते हैं वो सेमीफाइनल 2 खेलते हैं। तो भी आप देखो, ये टूर्नामेंट लगभग आधा हो चुका है। इस ग्रुप स्टेजेस में 30 मैचेस होते हैं, ये मैच नंबर 16 है, तो आप समझ सकते हो आधा टूर्नामेंट खत्म। तो अब यहाँ पे क्या पोजीशन है टीम की? एमआई केपटाउन 4थे स्थान के ऊपर है। इस टीम ने 5 मैच खेले हैं, 2 जीती है, 3 हारी है और इनके 9 पॉइंट्स हैं। तो ये अभी भी टूर्नामेंट की रेस के अंदर बरकरार है। बात करते हैं, ऐसे तो हर एक टीम बरकरार है, और डर्बन सुपर जायंट्स शानदार प्रदर्शन दिया इन्होंने। 5 मैच खेले, 3 जीते, बट ये जो 3 जीती थे ना, उस टाइम पे निकोलस पुरोन इनके पास थे, टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा था। फिर क्या हुआ, इनके पास ग्लेसन भी था उस टाइम पे, बट वो दोनों फिर IL T20 खेलने गए और इनको दोनों मैचेस के अंदर हार मिली। 13 पॉइंट्स हैं इनके, देखते हैं किस तरह से आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो इस वीडियो में आप देखो टोटल 94 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेहतर टीम बनाने के अंदर। यहाँ पर हर एक चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले पिच रिपोर्ट, इस वेन्यू के ऊपर न्यूलैंड्स केपटाउन पे क्या होता है, क्या स्कोरिंग पैटर्न रहता है, कितना टर्न होता है, कितना पेस है, ये सब आपको बताऊंगा। फिर हम देखेंगे कुछ टेक्टिकल डेटा, टीम पावर प्ले में कैसा बैटिंग करती है, डेथ ओवर में कैसा बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कैसा कर रही है, हर एक प्लेयर के हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स। लास्ट के अंदर हम आएंगे मैचअप्स की तरफ और टेक्टिकल डेटा। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सेम फॉर द व्हाट्सएप चैनल। पिच रिपोर्ट, न्यूलैंड्स केपटाउन का मैदान है, खूबसूरत ग्राउंड है। इस वेन्यू के ऊपर रिसेंटली 19 तारीख को मैच हुआ था, किसके बीच में, MICT वर्सेस पाल रॉयल्स के बीच में, जिसके अंदर हुआ क्या, जो होम टीम थी MI केपटाउन उसको जीत मिली थी। पाल रॉयल्स पहले बैटिंग करने आती, बहुत अच्छी पारी थी वहां पे बटलर की और जसर रॉय की, 173 का टारगेट दिया 8 विकेट के नुकसान पे। चेस करने आती है MICT, रियान रिकल्टन फिर से चला, इन्होंने 16.5 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर लिया। फिर से पहले 202 बना 2 विकेट के नुकसान पे। जो टीम चेस करने आती है वो सिर्फ 4 रन पीछे रह जाती है, ये दर्शाता है बहुत बढ़िया ट्रैक होता है, फिर रन बनते हैं। 182 बना, 130 पे टीम रुक गई, 171 बना, टीम यहाँ पे 19.3 ओवर्स के अंदर चेस कर जाती है। तो इस वेन्यू में आपको प्रति और 9 के आसपास रन बनते हुए दिखते हैं, हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है ये। और इस वेन्यू के ऊपर MI केपटाउन का होम ग्राउंड है, इन्होंने यहाँ पर 7 में से 3 मैचेस में जीत दर्ज करी है, 4 मैचेस आ रहे हैं। DSG 1 खेली है, 1 जीती है, बैटिंग फर्स्ट 4 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए इस वेन्यू पे 8 मैचेस जीते गए। तो आमतौर पर इस वेन्यू में बड़े बड़े टारगेट चेस हो जाते हैं, इट्स नॉट ए ईजी वेन्यू टू डिफेंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड इनिंग्स में बॉल अच्छे से बैट पर आती है, स्किड करके एंटर द लाइट्स। जो लास्ट मैच हुआ था उसमें 3 विकेट पेसर का था और 6 विकेट्स वहाँ पे स्पिनर्स के थे। जी हाँ, ऐसा क्यों, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। थॉमस कबेर ने वहाँ पे 3 खोल दिया था, फिर शमशी 2 निकालते हैं सेकंड इनिंग्स में, और लिंडे ने भी बटलर को आउट किया था पहली पारी में। तो ओवरऑल यहाँ पे लास्ट 12 मैचेस में क्या हुआ है, पेसर्स ने 85 विकेट्स निकाला है, पहली पारी के अंदर 48, दूसरी पारी के अंदर 37, राइट आर्म पेसर्स का 64, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 21 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें तो 37 विकेट निकाला है, पहली पारी में 18, दूसरी पारी के अंदर 19, ऑफ स्पिनर्स का 4 है, लेग स्पिनर्स का 12, चाइनामैन का 8, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 13 विकेट है। और मैं आपको पिचेस के फोटोज दिखाता हूँ, ये लास्ट मैच के पिच की फोटो है। तो पिच यहाँ पर इस तरह से दिखती है, आपको मैंने हमेशा कहा जो न्यूलैंड्स केपटाउन की विकेट होती है उस पर आपको सांप की तरह एक ऐसी पिच की ग्रास के ऊपर लाइट्स दिखेगी, ये देखो आप इस तरह से। तो इस पिच की हमेशा खासियत रही है, बाउंस होता है इसके अंदर। आप देखते हैं न्यूलैंड्स केपटाउन आफ्टर सुपर स्पोर्ट्स पार्क सबसे बाउंसीएस्ट पिच है, यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप देख सकते हो 2रे नंबर पे। ये न्यूलैंड्स का जो विकेट होता है इसमें बाउंस होता है, पेस होता है, अच्छा खासा स्पिन भी होती है यहाँ पर, मैं कैसे कह सकता हूँ। तो आप देखो इस ऐसे 20 के अंदर एवरेज टर्न सबसे ज़्यादा केपटाउन पे हुआ है, 3.5 डिग्री के आसपास, 3.4 है,
फिर जॉनिसबर्ग के ऊपर 3 है वंडरर्स पे, फिर किंग्स मेडो के ऊपर 2.5 बोल लो आप लगभग। तो ऐसा कुछ टन यहाँ पे देखने को मिला है। सामने की बाउंड्री 75 स्क्वायर आपको 57 और 59 मीटर्स की देखने को मिली थी लास्ट मैच के अंदर 69 की। तो ये डायमेंशंस बदलते रहते हैं, स्टेडियम एक पिच होती नहीं है, जाने कितनी सारी पिचेस होती है आपको पता ही होगा, 7 से 8 पिचेस होती है। ये स्टेडियम कुछ अलग ही वाइब्स देता है, क्यों देता है आप खुद देखो। सामने स्टेडियम है, स्टेडियम के अगल बगल में पेड़ है थोड़े से, फिर आपको पीछे एक फैक्ट्री जैसी दिख जाती है, फिर जैसे उसके पीछे आपको पहाड़ दिख जाता है। ये है भाई साहब स्टेडियम, दिख रहा है खूबसूरत ग्राउंड है, वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर स्टेडियम इन साउथ अफ्रीका, बोलैंड पार्क पाल, फिर ये आता है अपना न्यूलैंड स्केप टाउन। मेरी लिस्ट के अंदर पहले बोलैंड पार्क पाल आता है, उसके बाद ये आता है न्यूलैंड स्केप टाउन। ये देखो आप, अलग ही वाइब्स देता है भाई, ऐसा लग रहा है अरे इधर कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे यहाँ पे, बीच में स्टेडियम है, और यहाँ पे हरियाली है। ऐसा नहीं है कि बस बड़ी बड़ी इमारतें, आप देखोगे पेड़ बहुत सारे हैं रोड पे भी। तो ये एक अच्छी सिटी का निशानी होती है जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, और खूबसूरत ग्राउंड है भाई सभी। ये देखो आप, मन करता है देखते रहो उसको बैठ के, स्टेडियम आपको कितनी सारी वाइब्स देता है। आप रोड के बाहर होते हो ना स्टेडियम पे, ऐसी लाइट दिख जाती है बड़ी बड़ी, तो ही आपको एक वाइब फील हो जाती है। ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम द न्यूलैंड स्केप टाउन, कैसे लगी कमेंट, एक और फोटो है क्या, ये देखो आप, ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है कैसे लगी कमेंट करके बताना मेरे को। चैनल भी न्यूज़ सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा लो। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 3 खेला, 3 डरबन जीती है। रैंड कल्टन रस्सी ओपन करते हैं, डबल प्रिविलसेस आते हैं 1 डाउन जो आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं। कोनार हिस्टर हुसैन दिखते हैं, फिर आपको लियम लिविंगस्टन, कैरिम पोली, कैरन पोलार्ड, फिर सैम गरन, लिंडे थॉमस कवेर, खागिसो रबाड़ा, के जी नुआन तुषार आपको दिखेंगे। अब चलते हैं डरबन सुपर जायंट्स की तरफ। क्वेनी डीकॉक ओपन करेगा ब्रिट्सगे के साथ, जॉन जॉन स्मर्ट्स, वैन मुल्डर 2 डाउन आने चाहिए, हेनरिक क्लासेन, मार्कस स्टोन इज आउट ऑफ फॉर्म, बल्ले से रन्स नहीं बन रहे बट बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। कीमो पॉल को लाना चाहिए नूर अहमद के बदले, इस टीम को अपनी बैटिंग को और स्ट्रेंथ करने की जरूरत है, स्पेशली डेथ ओवर्स के अंदर। ड्वेन पिटोरियस, केशव मारा, स्टॉपली, नवीन आपको दिख जाएंगे। अब देखो जो टीम है वे केपटाउन, उसने पावर प्ले के अंदर, मैंने लास्ट मैच अपडेट नहीं किया, पाल वाले मैच के अंदर आपने देखा होगा उन्होंने पावर प्ले में ही 3 से 4 विकेट गवा दिया था, 3 विकेट गवाया था आई थिंक। तो ये देख सकते हैं आप, मेन फोकस आप डरबन पर रखिए। डरबन ने पावर प्ले में 5 मैचों में 8 विकेट गवाया है, 30 की औसत 133 का स्ट्राइक रेट है। एमआई कैप्टन सबसे बेस्ट टीम है पावर प्ले में, बस आपको इतना ध्यान रखना है। डरबन सुपर जेंट्स मिडल फेस के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाती है ड्यू टू हेनरिक क्लासेन, 134 का स्ट्राइक रेट है, 25 की औसत। और एम आई कैप्टन भी बहुत अच्छा खेलते हैं मिडल फेस में, 162 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है आसपास। लास्ट मैच की एम आई कैप्टन की डेटा इसमें अपडेटेड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। डेथ ओवर के अंदर डरबन सुपर जेंट्स तगड़ी सुताई करती है, 195 का स्ट्राइक रेट है, 9 विकेट्स गवाए हैं मात्र डेथ ओवर के अंदर। पिछले मैच की बात कर लो, वैन मुल्डर आके धोखे गया था मार्को निसेन को, एम आई कैप्टन भी डेथ ओवर में अच्छा खेल लेती है वैसे। बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं तो डरबन ने पावर प्ले में खराब बॉलिंग करी है, 5 मैच में सिर्फ 6 विकेट निकाला है। एम आई कैप्टन ने कुछ 8 विकेट्स निकाले हैं पावर प्ले के अंदर 5 मैचों में, लास्ट मैच में विकेटलेस गए थे पावर प्ले में खराब बॉलिंग करी। मिडिल फेस में डरबन सुपर जायंट्स 5 मैच में 17 विकेट निकाल चुकी है, बेस्ट टीम मिडिल फेस में विकेट्स निकालने के मामले में, 16 बॉल का इनका स्ट्राइक रेट है, और एम आई कैप्टन ने 9 विकेट्स निकाले हैं। डेथ ओवर के अंदर डरबन ने 14 विकेट निकाला है, एम आई कैप्टन ने 9 विकेट्स निकाले हैं। ये पावर प्ले हो गया मिडल फेस, ये हो गया डेथ। रैन रिकल्टन का 2 मैचेस में 101 रन्स है, बैटिंग फर्स्ट 14/87, वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 369 रन्स है, 10 कैचेस पकड़े हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है इस वेन्यू के ऊपर, रिसेंटली इसने रन बनाए। बैटिंग फर्स्ट 41/14/46, चेस के ऊपर 6/26/10/42/21/11/58 और 94 नाबाद। रस्सी 3 मैचेस में 68 रन्स है, एटूड में 1/43/24, कहाँ गए रस्सी। वेन्यू के ऊपर 20 मैच में 600 रन्स है, अच्छे फॉर्म में है प्लेयर भी, लास्ट मैच में डक पे आउट हुए थे, अनलक्की थे। डेविड ब्रेविसस 3 मैचेस में 18 रन्स, बैटिंग फर्स्ट 13/05, वेन्यू के ऊपर 7 मैचेस में 182 रन्स है, अच्छे प्लेयर है बट इनका फॉर्म खत्म है पूरा, 0/10/8/5/5/1/0, सिंगल डिजिट ही पार नहीं कर पा रहे ये, तो क्या ही रन्स बनेंगे भाई से। कोनार 1 मैच में 17 रन्स है, थोड़ा बेटर प्लेयर है, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 28, इसने थोड़ी रेपुटेशन दिखाई है अपनी, क्लासी शॉट्स मार लेता है ये, बट इसके पास वो 5वां गियर नहीं है जो मेरे को लगा पिछले मैच में भी देख के, बट उस विकेट पे कहाँ 5वां गियर आ सकता था पाल के ऊपर इनसे, जो यहाँ पे खेलते ही नहीं है इस विकेट्स को जानते ही नहीं अच्छे से। सैम करन का 2 मैचेस में 6 रन से 1 विकेट है, बॉलिंग सेकंड करते हुए।
वेन्यू के ऊपर 9 मैचों में 5 विकेट 101 रन है। लास्ट सीजन भी भाई का बहुत खराब गया था SA20, इस सीजन में मेरे को खास इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा भाई से SA20 के अंदर। बड़ी रकम में इसको टीम में रखा जाता है, आप आते हो अपसेट करके जाते हो, तो वही लफड़ा इस भाई के साथ है। तो बहुत दमदार प्लेयर, रेपुटेशन लेके आते हैं, बट डोंट नो क्या हुआ साउथ अफ्रीका में इसको। लिवी 22 रन लास्ट मैच में किया, वैसे इसका हेड टू हेड के अंदर 25 रन से एक ही मैच के अंदर, वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 120 रन से एक विकेट है। पॉली 31 रन से हेड टू हेड में 221 का स्ट्राइक रेट, कुछ 9 बॉलों में इसने 31 रन बनाए थे 9 बॉलों के अंदर। वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 281 रन है, अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग कर रहा है पिछले 3 मैचेस से पॉली अपना। लिंडे 2 मैचेस में 1 विकेट है, 38 रन है, बॉलिंग सेकंड किया है। वेन्यू के ऊपर 26 मैच में 26 विकेट है, लोकल है यहाँ का ये थॉमस कबीर, 0 विकेट है बॉलिंग सेकंड करते हुए। वेन्यू के ऊपर 3 विकेट्स है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। इसने भी जो पिछले मैच में निकाला था आपको याद होगा अगेंस्ट पाल रॉयल्स, 20 रन का कुछ स्पेल था। खागेश्वर रबाड़ा 2 मैचेस में 5 विकेट, भाई को पता नहीं क्या हुआ है विकेट्स निकाल ही नहीं पा रहा। वेन्यू के ऊपर 15 मैच में 15 विकेटें हैं और अब तो जनता इसको ड्रॉप करने लगी है फैंटेसी टीम से। नुआन थुसारा स्पेशल होगा, पिछले मैच में जिस तरह से यॉर्कर्स डाल रहा था अच्छा स्पेल रहा था। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं बेंच के, देख लो धीरे धीरे स्कूल कर रहा हूँ मैं फिर से बैक करके, वरना आप कहोगे भाई जल्दी हटा दिया आपने। नुआन थुसारा पहला तीसरा 18वां 20वां ओवर था लास्ट मैच में। लिंडे अब दूसरा 7वां 9वां 11वां, रबाड़ा 4वां 6वां 15वां 19वां, सैम करन का 5वां 13वां 17वां, 30 रन का स्पेल था भाई का 3 ओवर में। कबीर का 8वां 10वां 14वां 16वां और पोलार्ड का था 12वां ओवर, जो अननेसेसरी मेरे को लगा, बट उस विकेट पे ट्राई करने में कुछ नहीं आता, टीम पहले ही हालत ख़राब थी। ब्रिट्सगे 2 मैचेस में 87 बैटिंग सेकंड 48 नबाद 39, वेन्यू के ऊपर 64 रन से बैटिंग फर्स्ट कर तो 160 का स्ट्राइक रेट है, अच्छे फॉर्म में प्लेयर। 35 33 13 43 39, मतलब अलग मूड में आया है, डिकॉक्स रन नहीं बन रहे। 3 मैच 79 रन 151 का स्ट्राइक रेट है, 16 कैच कहाँ से आया यार भाई का, सिर्फ 3 कैच है हेड टू हेड के अंदर 3 मैचों में, आपको ध्यान रखना है। या आई थिंक एक डिजाइनर ने दूसरा कोई कॉपी पेस्ट मार दिया इधर। चेस के ऊपर 11 63 5, वेन्यू के ऊपर 24 मैचेस में 616 रन से 27 की औसत है, 137 का स्ट्राइक रेट है, 10 कैच पकड़ा है और 350 वेन्यू के ऊपर 430 का मतलब होता है 30 से 50 वाला स्कोर, ये 24 इनिंग्स में आया है। फॉर्म 7 25 2 23 5 20 23 0 23 38 इस तरह से रहा है भाई का। बीबीएल में रन्स नहीं बना, बीबीएल के बाद अब ऐसे 20 में रन्स नहीं बने, एक भी 25 के ऊपर पारी नहीं है इसके पिछले में कुछ 7-8 इनिंग्स में देखता हूँ तो। जॉन जॉन स्पर्ट्स 2 मैचेस के अंदर 12 रन है, चेस पे 8 और 4, वेन्यू के ऊपर 13 मैचेस में 150 रन है, बैटिंग फर्स्ट 10 21 35 3 0 19 7, चेस के ऊपर 25 10 10 8 4, बॉलिंग अच्छी करी है, 10 विकेट्स निकाले, लेट्स सी क्या कर पाते हैं इस क्लैश में। व्याम मुल्डर 3 मैचेस में 42 रन, बैटिंग सेकंड 30 7 5, वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 34, बैटिंग फर्स्ट 2 नाबाद, चेस के ऊपर 2 और 30 है। हेनरिक क्लासेन 3 मैचेस में 121, बैटिंग सेकंड 36 0 85, लास्ट टाइम 85 की इसने गजब की पारी खेली थी। वेन्यू के ऊपर 7 मैचों में 103 रन है, अच्छे क्रिकेटर है, दमदार प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म आपके सामने नीचे। मार्क स्टोन इस बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स देके जाएंगे। एटवुड वेन्यू कुछ नहीं खेला, फॉर्म देखो 1 रन 2 विकेट 13 रन 1 विकेट 48 रन, तो कहीं ना कहीं से कुछ पॉइंट्स देने की दमखम रखता है ये प्लेयर, बॉलिंग कर रहा है पावर प्ले के अंदर और ये करेगा फिर से। ड्वेन पीटर्स का 2 मैचेस में 3 विकेट है, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करी भाई ने, आउट ऑफ द बॉक्स था मेरे लिए वो, 10 मैचेस में 6 विकेट 120 रन है, तो आप फैसला कर लो टीम में रखना है या नहीं। अगर ये 15 रन भी कर गया और इसको 1 विकेट भी मिल गया तो आपको 40-50 पॉइंट देके जाएगा मुश्किल से, और वो भी गारंटी नहीं है देगा या नहीं देगा। केशव 3 मैच में 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एक बार विकेटलेस गया, वेन्यू के ऊपर 7 मैच खेला सिर्फ 3 विकेट है, इकोनॉमी अच्छी रही है, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस क्लैश में। टॉपली का 4 मैच में 2 विकेट है, 4 नहीं 3 होगा, 3 मैच में 2 विकेट है और लास्ट मैच में 50 रन का स्पेल था इस टीम के अगेंस्ट। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 2 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट 2 विकेट, बॉलिंग सेकंड विकेटलेस। नवीन हेड टू हेड वेन्यू यट टू प्ले, लास्ट मैच में बुरी तरह से विकेटलेस गया। नूर अहमद हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू भी नहीं खेला, फॉर्म आप नीचे देख सकते हैं, विकेटलेस जा रहा है। काइल एमर्ट्स 34 रन से हेड टू हेड के अंदर, बैटिंग सेकंड करते हुए, सेम फॉर द वेन्यू, यहाँ 34 आएगा सेकंड इनिंग्स के अंदर यहाँ, बट मेरे को लगता नहीं टीम इसको खिलाएगी, लास्ट मैच भी नहीं खिलाया था। कीमा पॉल आना चाहिए, 3 मैचेस के अंदर 66 रन से, वेन्यू के ऊपर 20 रन से 250 का स्ट्राइक रेट था। डाला बाहर होंगे, सुब्रियन
जेसन स्मिथ, टॉनी। पिछले मैच में टॉपली का पहला, तीसरा, पांचवा, 19वां ओवर था, स्टॉइनिस का दूसरा, चौथा, 15वां, 17वां, नवीन का 6वां, 13वां, 18वां, शायद 20वां भी ये डालने आते, नूर का 7वां, 9वां, 11वां, 16वां, केशव का 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, और स्मर्ट्स ने 20वां डाला था। मतलब डालने आना चाहिए था नवीन को। अब आगे चलते हैं मैचअप्स की तरफ। डीकॉक का मैचअप बनता है अगेंस्ट बैरन हैंड्रिक्स, बट आपको शायद ना दिखे। ऑली स्टोन ने 3 बॉल में 0 रन दे के 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। ब्रिड्सगी का कोई स्पेशल मैचअप नहीं है। सैम करन 9 बॉल 17 रन 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। जॉनजन स्मर्ट्स वर्सेस कोई स्पेशल मैचअप नहीं है इसका भी। वैम उल्डर का अगेंस्ट बैरन हैंड्रिक्स 10 बॉल 20 रन 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। बट कबीर खेल रहे हैं, जो खुद यहाँ का लोकल है, न्यूलैंड्स का, वही खेल तो आपको दिखेगा। ऑली स्टोन वर्सेज हैंड्रिक क्लासेन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है 34 बॉल के अंदर 46 रन देके। रबाड़ा ने इसको 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया 10 बॉल में 14 रन देके। जी हाँ, अच्छी बैटल होगी रबाड़ा वर्सेस हैंड्रिक क्लासेन। रबाड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, विकेट्स नहीं निकाल पा रहे। मार्कस टॉनिस वर्सेस सैम करन 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है 22 बॉल में 37 रन देके। रबाड़ा ने 57 बॉल में 53 रन देके 11 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। रबाड़ा वर्सेस मैल्स, अब देखते हैं रेस्टी को। कोई स्पेशल मैचअप नहीं है भाई का। टॉपली परेशान कर सकते हैं, 40 बॉल के अंदर 37 रन देके 5 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। रिकल्टन वर्सेस टॉपली 13 बॉल 16 रन 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। अभी भी वही कहूँगा मैं, जो टॉपली है उनको लेफ्टी बैटर्स बहुत पसंद आते हैं। लास्ट मैच देख लो, आई थिंक मलान को आउट किया था भाई ने, तो किसी ना किसी लेफ्टी को आउट करता ही है मैच के अंदर। ब्रेविसेस इस मैच में एक ही लेफ्टी है, स्पेशली टॉप ऑर्डर के अंदर। ब्रेविसेस वर्सेस प्रूटरस, केशव, कायल मैट्स, लीवी अगेंस्ट प्यूटरस 32 बॉल 38 रन्स 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। सामने बड़े बड़े हिटर्स है, प्यूटरस को बॉलिंग करनी चाहिए इस मैच में। और पॉली वर्सेस प्यूटरस 24 बॉल 52 रन्स 3 बार आउट किया 8 इनिंग्स में। और तो कोई स्पेशल मैचअप नहीं है, टॉम बेंटन को जगह मिलेगी नहीं, पहले ओपनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है इनका। दोनों टीम्स लेफ्ट आर्म पेसर को अच्छे से खेलती है। लेग स्पिन की बात करते हैं, दोनों टीम्स ने अच्छा खेला है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन देखता है, दोनों टीम्स ने अच्छा खेला है। ऑफ स्पिन की बात करते हैं तो डरबन थोड़ा सा ऑफ स्पिन पे फंसी है, सिर्फ एक मैच की वजह से फंसी है। शिमर हार्मर ने लास्ट मैच में 4 खोल दिया था अगेंस्ट दिस टीम, डरबन के अगेंस्ट सनराइजर्स का जो मैच होता है, इस वजह से। चाइनामैन भी कोई खास मैच नहीं। चलते हैं कॉमन कैप्टन की तरफ। हेनरिक क्लासेन, सैम करन आपको दिखेंगे, अलग जाना तो लिविंगस्टन है। मार्कस टोनी सिर्फ अपने बॉलिंग रोल की वजह से रेसिवन रूडसन रिकल्टन को आप रोटेट कर सकते हैं, दोनों तगड़े ओपनर्स हैं। चलते हैं टीम्स की तरफ। फिलहाल मैंने कैप्टन किया हुआ यहाँ पे हेनरिक क्लासेन को, वाइस कैप्टन सैम करन। शायद मैं स्टोनिस के साथ भी जा सकता हूँ, रोल अच्छा है, 4 ओवर पूरी बॉलिंग करते हैं, ऊपर से बैटिंग भी करने आते हैं। फॉर्म कंसर्न जरूर है, बट रोल मैटर कर रहा है अभी फिलहाल। फॉर्म में तो यार प्लेयर आ सकता है, इतना बड़ा क्रिकेटर है। डीकॉक, रैन, रिकल्टन, रेसी, ब्रिड्सगे को लिया है। ब्रिड्सगे थोड़ा सा रिस्की पिक इसलिए हो जाता है, सामने रबाड़ा होगा, अनुवान तुषारा होगा, और जो यॉर्कर्स डाल रहा है अनुवान तुषारा, पहली बॉल यॉर्कर डाली थी लास्ट मैच के अंदर स्पॉट ऑन, वैसी सेम डाल दी तो भाई विकेट जा सकता है। लिवी, प्रोड्रेस, जॉनजन स्मिट्स, अनुवान तुषारा को ले रखा है। रबाड़ा मैं लास्ट मिनट पर लूँगा ब्रिड्सगे के बदले, या फिर किसी और को निकाल के, बट लेट्स सी क्या होता है। लास्ट 2 मैचेस में दिल था ड्रॉप करने का, लेकिन ड्रॉप किया नहीं, और जब थोड़ा सा रिस्क लग रहा था तब ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। डीकॉक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए लियाद से। हेनरिक क्लासेन एक अच्छे पिक रहेंगे फिर से। रिकल्टन इस वेन्यू पे अच्छा खेलने चाहिए, राज साइगिन को पीछे यहाँ की पेस रहता है, इस विकेट के अंदर बाउंस होता है एज कम्पेयर टू पॉल रॉयल, जहाँ पे 15 सेंटीमीटर का बाउंस डिफरेंस आता है कम से कम। मार्कस टोनिस इंपॉर्टेंट है, रेसी इंपॉर्टेंट, ब्रेविसेस को आप रोटेट कर सकते हैं, आउट ऑफ फॉर्म है। ब्रिड्सगे एक अच्छा उभरता हुआ सितारा बना है। बात करते हैं फिर लिवी लेके चलिए भाई को, एक आध और बॉलिंग करने भी आ सकता है पार्ट टाइम। प्रोड्रेस महत्वपूर्ण, सैम करन महत्वपूर्ण हो जाएंगे यहाँ से। जॉनजन स्वर्ट्स बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, कीमो बॉल खेलता तो आप रोटेट करिए। कबीर को मैंने इसलिए नहीं लिया, सामने हेनरिक क्लासेन है, वो शायद इनको छक्का चौका मार के और रोक सकते हैं इसके। रबाड़ा लेके जा सकते हैं आप, टॉपली मैंने लिया हुआ है, और यहाँ से नुवान तुषारा। नवीन बॉलिंग फर्स्ट में लेके जा सकते हैं, डीएसजी पहले गेंदबाजी करती है, तो देखते रहिए स्टैट्स। मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो टाइम दिया, वैल्यू समझिए। सी सुन, जय हिंद।